मैंने जो बात कही उसको रोज रिपीट कर रहा हूं, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। हमने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं, खराब हैं, ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हमने ये कहा कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के लड़के हैं, क्योंकि उन्होंने नौवीं फेल है। अगर नहीं है तो बता दे कैमरे पर कि नहीं है भाई, हम पीएचडी किए हुए हैं। मैंने क्रिकेट की बात कही भी, पत्रकारों ने कहा कि उनकी जब बात की तो मैंने कहा भाई उनकी पहचान क्या है, उनकी पहचान तो बस इतनी ही है कि वो लालू यादव के लड़के थे। इसके अलावा पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई पराक्रम किया है तो वो बता दें, हम लोग भी उसको सीख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। वो तो खुद उछल रहे हैं वो लोग कि हम उनको अज्ञानी बता रहे, हम कहां बता रहे, हम तो खाली जो फैक्ट है बता रहे। मान लीजिए कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे तो हम नहीं रोज कह रहे कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते, हम तो रोज कहते हैं। तो अगर आपके बाबूजी मुख्यमंत्री हैं तो आपको बताया जाएगा भाई आपके मुख्यमंत्री बाबूजी थे, इसीलिए आप वहां बैठे हुए हैं कुर्सी पर। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर हम गलत कुछ उनके लिए कह रहे हैं जो नहीं है सत्य, तो उसका खंडन कर दें, बता दें कि भाई आप बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं समाज में, हम तो पीएचडी हमने किया हुआ है, हमने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ली है। आप जितने पत्रकार यहां बैठे हैं आपको भी समाज का अनुभव, आपके अपने बच्चे अगर जो उन्होंने नाइन्थ पास नहीं किया है उसको आप यहां बिहार में कोई नौकरी दिला सकते हैं? जो आदमी ट्विटर पे और प्रेस में आकर चिल्ला रहा है उसको हम बता रहे हैं कि नौवीं फेल किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को यहां कोई नौकरी, कोई जगह मिल सकती है, और अगर किसी को मिल रही है तो ये देखना पड़ेगा फिर उनको क्यों मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है कि लालू यादव के लड़के, यही तो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? और जहां तक परिवार की बात है, किसी ने कहा कि भाई तो खाली लालू जी के परिवार के बारे में बोल रहे, हम सबके बारे में, हम तो सम्राट चौधरी के बारे में भी रोज बोलते हैं कि सम्राट चौधरी की क्या हैसियत है भाई, तो शकुनी चौधरी के लड़के हैं इसलिए भाजपा ने भी उनको बनाया है। शकुनी चौधरी कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी विधायक मंत्री थे, लालू जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए, फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए, मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भाग के भी विधायक मंत्री बन गए। आज अभी उनको भाजपा का दौर दिख रहा है तो भाजपा में, भाजपा को भी और कोई नहीं मिला, उनको एक बड़े नेता के बेटे को ही जगह दिया है उन्होंने भी। ये बात सिर्फ लालू यादव और शकुनी चौधरी की नहीं है, मैं ये आंकड़ा हर जगह देता हूं, आपको रिपीट कर देता हूं। बिहार में पिछले 30 साल में जितने लोग विधायक सांसद बने हैं, चाहे जिस दल से बने हैं, वो 1250 परिवार के लोग ही हैं। बिहार में 13 करोड़ आबादी है, करीब 3.5 करोड़ परिवार यहां रहते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर विधायक सांसद बनने का अधिकार यहां पर अभी तक सिर्फ 1250 परिवार के लोगों को ही है। इन परिवारों ने ऐसा राजनीति पर यहां कब्जा कर लिया है कि ये रहेंगे इसके बाद इनके बेटे रहेंगे, यही तो बिहार की दुर्दशा का कारण है। और ये सिर्फ आरजेडी में नहीं है, हम तो भाजपा वालों को कह रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी की क्या क्वालिफिकेशन है, शकुनी चौधरी के लड़के अगर नहीं है तो किस आधार पर बना दिया यहां का, मतलब किस आधार पर भाजपा के अध्यक्ष। मैं तो ये जनरल बात कर रहा हूं कि बिहार में जो व्यवस्था है उसकी एक कारण, उसकी बदहाली का ये है कि यहां कुछ चंद परिवारों ने यहां की राजनीति पर पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। आप किसी भी विधानसभा को उठाकर देख लीजिए, आप अपने विधानसभा को उठाकर देख लीजिए, वही 4-5 परिवार है, वो या उनके बच्चे, दल चाहे कोई रहे, नेता कोई रहे, जब जिस नेता का जिस दल का दौर आता उसी में फिर सब जाके शामिल हो जाता है। जो लोग यहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे उन्हीं के बच्चे आज भाजपा से यहां विधायक, तो ये परिवारों का जो कब्जा है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति से नहीं लेना देना है, अब उनको मिर्ची लग रही है तो हम क्या करेंगे उसके लिए। मैं तो उनके पक्ष की बात कर रहा हूं कि भाई सिर्फ परिवार की राजनीति लालू यादव नहीं कर रहे हैं, बिहार में हर विधानसभा, हर प्रखंड में, हर लोकसभा में कमोवेश यही स्थिति है, 2-4-5 परिवारों ने कब्जा किया हुआ है, घूम फिर कर वो या उनके बच्चे ही किसी ना किसी दल से चुनाव लड़ते हैं और मजबूरी में यहाँ की जनता को उन्हीं को वोट देना पड़ता है, चाहे वो लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव हो कि शकुनी चौधरी के लड़के सम्राट चौधरी हो। कोई ऐसा नहीं है जो अपने बल पर आया, अपने बल पर लालू जी आए थे तो ठीक है, अपने बल पर नीतीश जी आए वो ठीक है, लेकिन सम्राट चौधरी तो अपने पर, सम्राट चौधरी की यही तो पहचान है भाई कि शकुनी चौधरी के लड़के हैं तो भाजपा ने बना दिया उनको नेता। नहीं तो आप मुझे बताइए बिहार में उन्होंने कौन सा पराक्रम सम्राट चौधरी ने किया है, राजनीतिक कैरियर उनको भाजपा को और कोई नहीं मिला। वो लोग भी वही जाति देखता है और देखता है कि कोई बड़े बाप का बड़ा नाम चेहरा है उसको बना दो, उसका नाम उसी नाम पर वोट लेते रहो।
हम तो आरजेडी बेकार उछल रही है, लोग आदत है बिना बात को समझे हुए कुछ भी बोलने का। हम जो बोल रहे हैं आप उसको सत्य के आधार पर काट दीजिए कि नहीं भाई आप प्रशांत किशोर झूठ समाज को गुमराह कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नवा काम फैले उन्होंने पीएचडी कर लिया। इंडिया गठबंधन की क्या भविष्य देख रहे हैं? शिवानंद तिवारी ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन पिछड़ रही है, कल ही का उनका स्टेटमेंट। चलिए किसने क्या कहा इससे मतलब नहीं, हम अपनी बात इंडिया गठबंधन को लेकर बिहार में महागठबंधन को लेकर जो पिछले साल भर से कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। जब नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन बनाया पत्रकारों ने आकर पूछा सर इसका देश पर असर क्या होगा, मैंने उस समय कहा देश पर इसका असर जीरो होगा, ये राज्य स्पेसिफिक घटना है, नीतीश कुमार और आरजेडी तेजस्वी यादव लालू यादव की अभी उतनी ताकत नहीं है कि वो देश की राजनीति को प्रभावित कर सके, बिहार में वो बड़े चेहरा हो सकते हैं। दूसरा बात, जब इंडिया अलायंस बना तब मैंने कहा कि नेताओं के एक साथ मिलने से चाय पीने से प्रेस वार्ता करने से देशव्यापी माहौल नहीं बन सकता है, ये ठीक बात है। अगर सब दल एक साथ आते हुए दिखेंगे, नेता साथ में आते हुए दिखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ मजबूत चीज बन रहा है। और इंडिया अलायंस ने किया क्या अभी तक, पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर लिया, और वो नाम अगर अच्छा किया तो उसका फायदा भी मिला, इतनी चर्चा हो रही है देश भर में भाई इंडिया अलायंस इंडिया अलायंस, लेकिन नाम बदलने के बाद उन्होंने क्या किया? अभी तक ना संयोजक बनाया, ना चेहरा बनाया, ना कोई नैरेटिव बनाया, एक बैठक एक रैली तक नहीं कर पाए पिछले। और हम कहां बोल रहे हैं, अब तो नीतीश कुमार खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं कि भैया ये लोग तो ये काम नहीं चलने वाला है, अभी आपने किसी का नाम लिया, तो ये हम नहीं बता रहे, तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई प्रशांत जी जो आप इंडिया अलायंस के विषय में पहले कह रहे थे वो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उस अलायंस को बनाने वाले जो लोग हैं उन्होंने ना कोई समझ दिखाई, ना कुछ उनकी सोच है, ना कोई प्रयास है, एक साथ बैठ गए चाय पानी पी लिया प्रेस में वार्ता कर लिया, उसे क्या हो जाएगा। और जो लोग ये बताते हैं कि दलों के एक साथ आने से चुनाव जीता जा सकता है उनका ये भ्रम है। कुछ लोग आपको उदाहरण देगा कि देखिए इंदिरा जी को सब दल मिलकर 77 में हरा दिया, भाई आप मूर्ख हैं, इंदिरा जी को दलों के साथ आने से नहीं हराया गया, इंदिरा गांधी को अगर 77 का जेपी का आंदोलन नहीं होता, इमरजेंसी नहीं होता तो सारे दल आकर इंदिरा जी को हरा देते, पहले इमरजेंसी हुआ 77 का आंदोलन हुआ उसके बाद दल साथ आए तब उसको राजनीतिक सफलता मिली, पहले बोफोर्स के मुद्दे पर बीपी सिंह ने देशव्यापी अभियान चलाया जनमोर्चा बनाया फिर उसके साथ सारे दल जुड़े तब राजीव गांधी हारे। ऐसा नहीं है कि आप खाली दल बना लीजिएगा और जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी आपको आपको वोट दे देगी, ये मेरा आकलन है, अगर हमारा गलत होगा तभी दिख जाएगा आपको भाई में। नहीं, आपको लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अलग हुए एनडीए से तो एनडीए में भी हड़बड़ाहट है, इसीलिए 15-14 सीटों पर नामांकित किया गया है और वहां पे लगातार अमित शाह आ रहे हैं। कौन क्या कर रही है जाके अमित शाह से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, हम उनके प्रवक्ता तो हैं नहीं। नीतीश कुमार जी की जो ताकत है वो बिहार में राजनीतिक ताकत राजनीतिक पारी करीब करीब वो खात्मे पर है, उसको आप ज्यादा भाव मत दीजिए। नीतीश कुमार किधर हैं और किधर रहेंगे उनको खुद नहीं पता है, नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो आज किसके साथ है और 4 महीने के बाद किसके साथ रहेंगे, आज किसको ज्ञानी बता रहे हैं कल उसको मूर्ख बताने लगेंगे, आज जिसको देश का राज्य का भविष्य बताएंगे उसी को कल गाली देने लगेंगे। तो नीतीश कुमार पर उम्र का असर हो गया है, अब बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ और जाते हैं, 2-4-5 महीना बचा हुआ है अपना, लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद जदयू के विघटन का दौर शुरू होगा और साथ ही नीतीश कुमार के राजनीति का पटाक्षेप होगा। बहुत दिन हो गया, 30-35 साल से बिहार की जनता देख देख के थक चुकी है, और मैं ये बात आपको रिकॉर्ड कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का एज ए दल राजनीतिक विघटन हो जाएगा, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का करीब करीब ये अंतिम समय चल रहा है, जितने दिन चलना है चल ले, इसके आगे कुछ होने वाला नहीं, जो हाथ पांव मारना है मार लीजिए, और किसी को इसकी चिंता नहीं है कि नीतीश कुमार किधर है, इवन आरजेडी को भी इसकी चिंता नहीं, आरजेडी भी यही सोच रहा है कि इनका खत्म हो कहानी, तो उसके आरजेडी भी वही सोच रहा है, भाजपा भी यही सोच रहा है, सब यही सोच रहे हैं कि कहानी खत्म। सर क्या उम्मीद करें जन स्वराज के पद यात्रा के बाद बिहार की राजनीति में एक नई भूचाल आएगी और युवाओं को मौका मिलेगा? आप ये उम्मीद रखिए, मैं पूरी तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब ही दे रहे हैं, पूरी तरीके से संकल्पित हैं। बिहार में 2 बरस लगे, 4 बरस लगे, 6 बरस लगे, 10 बरस लगे, यहाँ बिहार में आपको नई व्यवस्था नया तरीका बिहार में परिवर्तन अगले 10 साल में दिखेगा ही दिखेगा, उसके लिए मैं पूरी तरीके से संकल्पित हूँ।
कैसे होगा कैसे होगा कब होगा वो आप देखते जाइए, अभी तो साल भर हुआ है, हमने तो कोई दल नहीं बनाया है। आप भी यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, हम एक महीना से आज मधुबनी झंझारपुर एरिया में हैं, आप देख रहे हैं कि जो लोग आकर जुड़ रहे हैं, हम तो सामने से कह रहे हैं जिसको वोट देना है दो, लेकिन फिर भी लोग आकर क्यों जनसुराज से जुड़ रहे हैं? आप उसकी चिंता मत कीजिए, थोड़ी बहुत चुनाव और राजनीति की समझ मुझे भी है, जो काम हम कर रहे हैं इसको करने दीजिए, घबराने से नहीं होगा। 50 वर्ष से अगर व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो उसको एक दिन में नहीं सुधारा जा सकता है, साल दो साल मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा एकदम विश्वास है, जब पदयात्रा शुरू किए थे उससे आज 10 गुना ज्यादा विश्वास है कि जनता को ये बात समझ में आ रही है। 50% से ज्यादा जनता, ये आंकड़े आपको बता देता हूँ, 50% से ज्यादा बिहार के लोग बिहार में नया विकल्प चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनसुराज चाहते हैं, हम ये दावा नहीं कर सकते, लेकिन लोग ये चाहते हैं ना भैया बिहार में कुछ नया होना चाहिए, नया विकल्प होना चाहिए। ये तीनों दलों को, चारों दलों को हम लोगों ने हर तरीके से देख लिया, इन लोगों से बिहार नहीं सुधरने वाला है। अब इसको कौन सुधारेगा, जनसुराज सुधारेगा, आप सुधारेंगे, हम सुधारेंगे, कोई दूसरा सुधारेगा, कोई ना कोई बिहार का ही सुधारेगा। और जनता धीरे धीरे उस दिशा में उन्होंने अपना मन बना लिया है कि भैया बिहार में कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। ये अभी के जो दल है आरजेडी जदयू भाजपा, इन्होंने पिछले 35 साल में बिहार का कोई भला नहीं किया, न राज्य में न केंद्र में। केंद्र में भी यूपीए की सरकार को बिहार के लोगों ने देखा, एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार को भी लोग देख रहे हैं, उससे बिहार का कोई फायदा नहीं हुआ, बिहार से पलायन नहीं रुका है, बिहार से बेरोजगारी नहीं खत्म हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बात की समझ बिहार के लोगों को है कि अगर बिहार में परिवर्तन करना है तो हमें समाज के तौर पर जगना होगा, लगना पड़ेगा, और लगने की इस प्रक्रिया में जनसुराज एक प्रयास है। लोगों को अगर समझ में आएगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो देखा जाएगा। तो सब क्या उम्मीद करें आने वाला विधानसभा का जो चुनाव होगा या फिर उसके बाद पंचायतों का जब चुनाव भाई होगा, मैं सर तो मैं, उस चुनाव में मैं एक सवाल कर रहा हूँ सर, उस चुनाव में क्या ये दागदार छवि के जो नेता होते हैं उस छवि से उठ करके कोई IITian होगा, कोई ऐसा होगा जो समाज के लिए डेडिकेटेड हो और वेल एजुकेटेड हो? मेरे भाई ऐसा है, मैं उन नेताओं की भाषा नहीं बोलता हूं कि रोज हर चुनाव के बारे में भविष्यवाणी कर रहे। मैं जीवन में मैंने एक भविष्यवाणी की पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, पूरा देश कह रहा था कि भाजपा जीत रही है, मैंने कहा 100 नहीं जीतेंगे, 77 जीते। दूसरी भविष्यवाणी आपके बिहार के नजरिए से मैंने की है कि लोकसभा में नीतीश कुमार के दल जदयू को 5 सीट नहीं आएगा। अब आगे विधानसभा में क्या होगा ये जब लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम वो भी आपको बताएंगे, अगर हमारी समझ होगी तो बताएंगे कि कौन कितनी सीट जीतेगा, ATN जीतेगा कि किसान जीतेगा। लेकिन इतना जरूर मैं अभी दावा आपको कर सकता हूँ कि बिहार में बहुत बड़े जनसंख्या में, बहुत बड़े यहाँ की आबादी में परिवर्तन की चाहत या परिवर्तन की मांग बहुत तेजी से घर कर गई है। और इसलिए नहीं कि हम आए, वो पहले से है, लोग यहाँ पर त्रस्त है, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उनको रास्ता दिखेगा तो जितने सो कॉल्ड समीकरण है उसको धराशायी होने में 1 महीना का समय नहीं लगेगा। ये आप लिख कर रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।